मैं जा रहा हूँ बाहर, और बाहर जहाँ जा रहा हूँ अभी तो बता नहीं सकता, तो वो बताऊंगा वहाँ पहुँच कर। तो आओ मेरे नाल। तो जी हम आ गए हैं अकबर रोड। अकबर रोड पे ये शफी हाउस के साथ ही जैतून रेस्टोरेंट बना हुआ है। मैं तो यहाँ कभी नहीं गया कि आप लोग जाएं और जाके यहाँ अच्छे अच्छे खानों का मज़ा लें। तो इसी के साथ हम सीधा अभी हम निकलेंगे बंस रोड, और बंस रोड को ये सीधा रोड जा रहा है। फूड स्ट्रीट बन चुकी है काफ़ी बड़ी, देखा भी होगा आप लोगों ने। और ये हम बंस रोड जैसे ही पहुँचे तो काफ़ी रश और ये बैरियर वगैरह लगाकर रास्ता बंद किया हुआ था, लेकिन फिर भी हमने अंदर जाने की कोशिश करी कि हम अंदर जाके देखें कि अंदर क्या हो रहा है, इतना रश क्यों है। और पुलिस की मोबाइल भी खड़ी हुई है। और जैसे जैसे आगे जाते गए, थोड़ा सा आगे और बढ़े तो काफ़ी रश और बढ़ता गया, पुलिस ही पुलिस खड़ी थी। तो ये प्लेटर हाउस पर कोई लड़ाई वगैरह हुई है तो जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है इनका। और बंस रोड पर काफ़ी सारी दुकानें जो हैं बंद पड़ी हुई हैं, जिसमें दिल्ली रबड़ी हाउस ये भी बंद पड़ा हुआ है, और ये प्लेटर हाउस हो गया ये भी बंद पड़ा है। ये देख सकते हैं आप कितना रश है और कितनी पुलिस खड़ी हुई है। पता नहीं कि यहाँ क्या हुआ है। हालांकि हमें दोस्त ने बोला, कामरान ने, कि यहाँ रुकते हैं देखते हैं, और माजरा किसी के साथ थोड़ी सी वीडियो रुक गई होगी उस लड़ाई की वजह से। तो ये हम आए हैं बंस रोड की बैक साइड पे, यानी कि सीधा आगे निकल के आए, क्योंकि ये देखें दिल्ली वाली जो है वो भी बंद पड़ी हुई है शॉप, और जो है प्लेटर हाउस है वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो ये कराची हलीम आया, और ये फूड सेंटर वगैरह, और ये इसमें थोड़ा सा रश नज़र आ रहा है। और मज़ेदार हलीम पर भी इतना रश नज़र नहीं आ रहा था। सामने जो आप देख रहे हैं पिंक पिंक सी बिल्डिंग, ये है फ्रेस्को। फ्रेस्को आओ और दही बड़े ना खाओ वहाँ के, ऐसा हो नहीं सकता। फ्रेस्को के दही बड़े खाए बिना कोई रह नहीं सकता। तो ये हम अपना जी हम आ रहे हैं, सामने हमारे देखें पीपल स्क्वायर नज़र आएगा आपको थोड़ी देर में। तो ये कुछ काफ़ी ज़्यादा रश नहीं है जितना रश होना चाहिए। मैं कोऑपरेटिव भी गया, वहाँ भी काफ़ी रश नहीं था, सन्नाटा पड़ा हुआ था, सन्नाटे छाए हुए थे। तो ये देखें, ये सफाई का महकमा खड़ा हुआ है, और ये मक्का स्टोर आ गया है। मक्का स्टोर से आगे हम निकल के आएंगे, सामने आप देख रहे हैं ये मक्का स्टोर चला गया। और हम यहाँ से सीधा जाएंगे अभी हम लाइट हाउस, वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो लाइट हाउस पे भी काफ़ी रश था। ये देखें, ये पीपल स्क्वायर आ गया, पीपल स्क्वायर से मुड़े और ये हम जो है लाइट हाउस की तरफ, ये लाइट हाउस में आ गए हैं। ये बच्चों की गाड़ियाँ वगैरह, साइकिल वगैरह जो मिलती हैं बैटरी वाली, काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे इन तरह की गाड़ियाँ होती हैं। तो ये हम लाइट हाउस पर आए, तो ये देखें, ये जद्दा के सामने ही इतना रश जैसे कोई फ्री में यहाँ पे शूज़ बट रहे हों, फ्री में चीज़ें बट रही हों, कि काफ़ी ज़्यादा तादाद लोगों की इधर। ये लाइट हाउस मार्केट में है, बैक साइड पर जहाँ बच्चों की साइकिलें वगैरह मिलती हैं, दोबारा उसी गली में हम। तो ये मस्जिद में तरावियाँ हो रही थी, काफ़ी दुकानें बंद पड़ी हैं, लेकिन अब जैसे जैसे मकसद के तरावियाँ करीब होती जाएंगी और हो सकता है तरावियों के बाद दुकान खोलें, तो थोड़ा सा आगे जाएंगे। बच्चों के ये झूले वगैरह और ये मेले लगे हुए हैं। इसी तरह हमने पाकिस्तान चौक पे भी देखा था, वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे जाके। ये देखें, बच्चों के झूले वगैरह यहाँ लगे, ये दाल चावल ये खड़े, और काफ़ी हंसी खुशी बच्चे जो है मकसद के झूले झूल रहे हैं, मसरूफ़ हैं। तो ये देखें, ये हम आए आरामबाग दवाखाना वाली साइड पर, यहाँ से हम निकलें सीधा। अगर हम जाएँ तो सिविल अस्पताल SIUT का रास्ता निकलता है। ये अपना जो है सारम बर्नी का भी यहाँ पे है ऑफिस। ये हम शाइन कम्प्लेक्स आए हैं, शाइन कम्प्लेक्स सीधा सीधा जो आप देख रहे हैं, ये एक शादी हॉल बना हुआ है शाइन कम्प्लेक्स। और शाइन कम्प्लेक्स भी यहाँ तो रमज़ानी के पेटिस न खाएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। आप रमज़ानी के पेटिस खाएं और झूम झूम जाएं, ठीक है। तो शाइन कम्प्लेक्स कभी भी आए तो रमज़ानी बेकरी बनी है अपना लेफ्ट साइड पे। तो ये मोविनपिक होटल कराची, मोविनपिक काफ़ी अच्छा है, यानी कि लाइटिंग वगैरह की है। उसी के साथ PIDC की बिल्डिंग है। तो ये हम मूव करें, इसी के साथ हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। हमारा पेज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले मिनी व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।